दोस्तों, जिस तरह दुनिया के सबसे लंबे या फिर सबसे मोटे इंसान को लोग आश्चर्य से देखते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि कोई जानवर अपने सामान्य आकार से बड़ा हो तो उसको भी हैरानी की नजर से ही देखा जाता है। और अगर बात करें बुल्स यानी सांड की, तो सांड एक ऐसा जानवर है जो काफी विशाल और ताकतवर शरीर का मालिक होता है। सांड स्वभाव से काफी गुस्सैल होते हैं और गुस्सा आने पर वो अपने बड़े और नुकीले सींगों से हमला कर देते हैं। वैसे तो दुनिया में मौजूद हर एक नस्ल के सांडों का आकार काफी बड़ा होता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सांडों की जिन नस्लों के बारे में बताने जा रहे हैं वो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद सांडों की 10 ऐसी नस्लों के बारे में बताएंगे जिनमें सबसे विशाल और ताकतवर सांड पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मैने अंजू डे प्रेज। दोस्तों, अजीब से नाम वाली बुल्स की यह जाति फ्रांस के अंजू क्षेत्र की मूल निवासी मानी जाती है। हालांकि इसका नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन हम आपको बता दें कि सांडों की ये नस्ल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नस्ल कहलाती है। इतना ही नहीं, दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा और भारी सांड भी इसी जाति से ताल्लुक रखता है। इस नस्ल में पाए जाने वाले पशुओं का वजन 2000 किलोग्राम तक होता है, जो एक कमाल की बात है। इतना ज्यादा वजन होने के कारण इस नस्ल के सांड को दुनिया का सबसे भारी सांड भी माना जाता है। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस नस्ल की गाय और सांड दोनों ही अपने शरीर के आकार और शक्ति को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इन्हें पालने वाले किसान को जैसी जरूरत होती है, ये जानवर अपने शरीर को उसी प्रकार का बना लेते हैं। फ्रांस के किसान इस नस्ल को पालना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इसको पालना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इस नस्ल के विशाल आकार के कारण इसको पालने के लिए एक बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको सिर्फ वही लोग पालते हैं जिनके पास बड़ी जगह का इंतजाम होता है। इस नस्ल के नर यानी सांड काफी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, जबकि मादाएं यानी गायें काफी शांत स्वभाव वाली होती हैं। इन गायों का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसके कारण इनके बछड़े काफी तेजी से बड़े हो जाते हैं। नंबर 9, ब्राह्मिन बुल्स। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि सांड की ये नस्ल भारत से ताल्लुक रखती है। ब्राह्मिन बुल्स एक बेहद खास नस्ल है और इस नस्ल के सांडों में हम्प यानी कूबड़ पाया जाता है। बेहद खास दिखने वाली सांडों की इस नस्ल को काफी समय पहले भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किया गया था। इस नस्ल के सांड काफी हद तक एक ऊंट के जैसे नजर आते हैं। बताया जाता है कि साल 1854 से 1926 के बीच अमेरिका के ब्रीडर्स ने गाय और ऊंट को मिलाकर इस नई नस्ल को ब्रीड किया था, इसीलिए इसकी पीठ पर भी ऊंट के जैसा एक कूबड़ पाया जाता है। ऊंट की तरह ही ये जानवर भी अपने कूबड़ में खाना और पानी जमा करके रख सकते हैं। विशाल आकार वाले इन सांडों का वजन 700 से 1000 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा ब्राह्मिन बुल्स नस्ल के सांडों की त्वचा भी बहुत अधिक मोटी होती है, जिसके कारण ये बेहद तेज गर्मी को भी आसानी से झेल पाते हैं। नंबर 8, सीबी भागनरी। दोस्तों, हमारी लिस्ट मौजूद सांडों की ये नस्ल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है। सीबी भागनरी नस्ल के सांड पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाए जाते हैं। इस नस्ल का नाम भागनरी दो शब्दों भाग और नरी को मिलाकर बना है, जिसमें भाग शब्द एक शहर के नाम से लिया गया है, वहीं नरी शब्द इस क्षेत्र में बहने वाली एक नदी के नाम से लिया गया है। ब्राह्मिन बुल्स की तरह ही इन सांडों की पीठ पर भी एक विशाल कूबड़ पाया जाता है, जिसके अंदर ये अपना हफ्तों का खाना और पानी जमा कर सकते हैं। इस नस्ल के सांडों को दुनिया के सबसे ऊंचे सांडों में भी शुमार किया जाता है। इनकी ऊंचाई 84 इंच तक पाई जाती है, जो अपने आप में एक कमाल की बात है। और अगर बात करें इनके वजन की, तो ये विशाल सांड अपने 1600 किलोग्राम वजन से ब्राह्मिन बुल्स को काफी पीछे छोड़ देते हैं। भारी वजन के साथ ही इस नस्ल के सांडों के पास बेहद मजबूत गर्दन और सींग भी होते हैं। हालांकि इस नस्ल के सांडों को दुनिया का सबसे बड़ा सांड कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इटली में पाए जाने वाले चियानिना ब्रीड के सांडों को ही सबसे बड़ा मानते हैं। खैर, जो भी हो, ये जानवर दिखने में बड़े शानदार नजर आते हैं। नंबर 7, बेल्जियन ब्लू। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, मवेशियों की ये नस्ल बेल्जियम देश से ताल्लुक रखती है। हालांकि इस नस्ल में पाए जाने वाले सांड दुनिया में सबसे बड़े तो नहीं होते, लेकिन इनका ताकतवर शरीर और इनके शरीर में दिखने वाले बड़े बड़े मसल्स इनको एक बेहद खास नस्ल बना देते हैं। इन बैलों के मसल्स इतने शानदार होते हैं कि बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर भी इनके सामने फीका पड़ जाता है।
इनके इन विशाल मसल्स को देखकर बहुत से लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि इन जानवरों को पालने वाला किसान इन्हें एस्टेरॉयड के इंजेक्शन देते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। बेल्जियन ब्लू प्राकृतिक रूप से ही इस प्रकार का शरीर लेकर पैदा होते हैं। इन जानवरों के शरीर में डबल मसलिंग नाम का एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जिसके कारण इनके शरीर में ये विशाल मसल्स बन जाते हैं। बेल्जियन ब्लू नस्ल के इन सांडों का वजन 1200 किलोग्राम तक होता है। बताया जाता है कि 19वीं सदी में बेल्जियम के अंदर इस नस्ल को दो अलग अलग स्थानीय ब्रीड से मिलाकर बनाया गया था। इस नस्ल के बच्चों का आकार और वजन जन्म के समय ही काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण मादाओं को बच्चे जनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन बैलों को दुनिया के सबसे शानदार और आकर्षक शरीर वाले बैलों में शुमार किया जाता है। नंबर 6, चियानिना। बेहद विशाल आकार के मवेशियों की ये नस्ल इटली में पाई जाती है। इस नस्ल के सांडों को दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लंबे और सबसे भारी सांडों में शुमार किया जाता है। चियानिना नाम की इस नस्ल के बैलों के शरीर की ऊंचाई लगभग 7 फीट तक होती है, और यही वजह है कि इनका वजन भी 1700 किलोग्राम तक पाया जाता है। विशाल और भारी भरकम होने के साथ ही इस नस्ल को दुनिया की सबसे पुरानी मवेशियों की नस्लों में भी शुमार किया जाता है। दुनिया भर में इस नस्ल के जानवरों को कई सदियों से बीफ के रूप में खाया जा रहा है। इनको पालने वाले किसान बताते हैं कि इनकी स्किन काफी मजबूत होती है, जो इन्हें कीड़े मकोड़ों से होने वाली इन्फेक्शन से बचाए रखती है। साथ ही मोटी त्वचा होने के कारण ये जानवर तेज गर्मी को भी आसानी से झेल लेते हैं और हमेशा गर्म इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं। ये नस्ल आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, जर्मन एंगस। जर्मनी में पाई जाने वाली मवेशियों की इस नस्ल में दुनिया के सबसे बड़े सांड तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो इन्हें काफी खास बना देती हैं। जहां इस नस्ल में पाई जाने वाली मादाओं का वजन 680 किलोग्राम तक होता है, वहीं नर का वजन इससे दोगुना मतलब 1350 किलोग्राम तक हो सकता है। बताया जाता है कि इस नस्ल को साल 1950 में जर्मनी के अंदर एवरडीन एंगस और जर्मनी की ही एक दूसरी नस्ल के साथ क्रॉस ब्रीड करके विकसित किया गया था। इस नस्ल को विकसित करने का उद्देश्य एक बड़े आकार और बिना सींग वाली नस्ल को बनाना था, जिसका इस्तेमाल बीफ भोजन के रूप में किया जा सके, और आज बेल्जियम के अंदर इस नस्ल को बीफ के रूप में ही खाया जाता है। नंबर 4, पार्थेनाइस। पार्थेनाइस फ्रांस में पाई जाने वाली एक मशहूर और सबसे पुरानी मवेशी नस्लों में से एक है, और बताया जाता है कि फ्रांस में इस नस्ल को 3 मुख्य उद्देश्यों, दूध, मांस और ढुलाई के काम के लिए विकसित किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जानवरों से ढुलाई का काम करवाना बंद होता गया, इसीलिए आज इस नस्ल के जानवरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सिर्फ मांस प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। मवेशियों की यह नस्ल काफी लंबे समय से फ्रांस के अंदर मौजूद है। इस नस्ल के जानवरों का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इससे हाई क्वालिटी के डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं। इस नस्ल के सांडों का वजन 1220 किलोग्राम तक पाया जाता है, और चूंकि इन जानवरों के मांस में कोलेस्ट्रॉल और फैट बहुत कम होता है, इसलिए लोग इन्हें बीफ के रूप में खाना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 3, इंडोनेशियन सिमेंटल। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि मवेशियों की यह नस्ल इंडोनेशिया में पाई जाती है, और अगर आप मवेशियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि सिमेंटल नस्ल मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखती है। इस नस्ल को सिमेंटल नाम स्विट्जरलैंड की सिमी नदी के कारण दिया गया था। इस नस्ल के जानवरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से दूध और मांस दोनों ही चीजें प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बेहद सुंदर दिखने वाली इस नस्ल के जानवरों की हाइट 5 फीट 2 इंच और वजन 1400 किलोग्राम तक होता है। यही कारण है कि इंडोनेशियन सिमेंटल नस्ल के जानवर दिखने में काफी मस्कुलर और मजबूत नजर आते हैं। नंबर 2, साउथ डेवन। ब्रिटेन से ताल्लुक रखने वाली इस मवेशी नस्ल को जेंटल जायंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के गाय और बैल पूरे यूनाइटेड किंगडम में सबसे विशाल माने जाते हैं। दिखने में ये जानवर जितने विशाल नजर आते हैं, उतना ही ज्यादा इनका वजन भी होता है। वैसे तो इस नस्ल के बैलों का वजन 1600 किलोग्राम के आसपास होता है, लेकिन कुछ खास मामलों में इनका वजन 2000 किलोग्राम के आंकड़े को भी पार कर जाता है। इस नस्ल के बैलों का सिर्फ वजन ही ज्यादा नहीं होता, बल्कि उनका शरीर भी बेहद शक्तिशाली होता है, और इसी वजह से इनसे भारी सामान ढोने का काम करवाया जाता है। इन जानवरों को बीफ के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा इन्हें दुग्ध उत्पादन के लिए भी पाला जाता है। इस नस्ल की गायें पोषक तत्वों से भरपूर बढ़िया क्वालिटी का दूध देती है, जो छोटे बच्चों के लिए
काफी फायदेमंद माना जाता है। नंबर एक, मोंट बेलियार्ड। मवेशियों की ये नस्ल फ्रांस के मोंट बेलियार्ड क्षेत्र में पाई जाती है और यही वजह है कि इसका नाम भी मोंट बेलियार्ड ही रखा गया है। इस नस्ल का इस्तेमाल मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इस नस्ल की गाय का वजन 600 से 700 किलोग्राम तक होता है, जबकि बैल का वजन 1200 से 1400 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस नस्ल की गाय बहुत भारी मात्रा में दूध का उत्पादन करती है। बताया जाता है कि एक दिन में ये गाय 2000 गैलन दूध देने की क्षमता रखती है और इनके दूध का इस्तेमाल मुख्य रूप से पनीर और उससे मिलते जुलते अन्य उत्पादों को बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।